हेलो दोस्तों, दिस इज सौरव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके टैंक में फ्यूल के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको कितना फ्यूल रखना है, कितना नहीं रखना है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, उसके जो प्रोस एंड कॉन्स है वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और सेकेंडरी जो है इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ जो मतलब इसको रीड करने में कैपेबल नहीं है, उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, थैंक यू। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके टैंक के बारे में। आपको मालूम है जो क्लासिक 350 BS6 FI मॉडल, मतलब फ्यूल इंजेक्शन मॉडल, उसका जो टैंक है वो 13.5 लीटर का टैंक है। इसमें जो रिजर्व लगता है वो 3.5 लीटर में इसका रिजर्व लग जाता है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें जो टैंक है उसमें आपको कम से कम कितना फ्यूल रखना है। मेरे हिसाब से अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो इसमें एक फ्यूल कैप दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप फ्यूल कैप को हटाएंगे तो यहाँ पर एक आपको प्लेट दिखेगी, ये फ्यूल प्लेट है, ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल प्लेट है। अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप बाइक में अगर अपनी बुलेट में फ्यूल अगर भरवा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपकी बुलेट को हार्म करेगी। अब वो हार्म कैसे करेगी मैं नेक्स्ट बताऊंगा बाद में, लेकिन आप जो ये दिख रहा है मेरी जो उंगली यहाँ पर, ये जो फ्यूल प्लेट है, इस टैंक का प्लेट है, यहाँ तक मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है। ये आपको इसकी सर्विस बुक में भी दिख जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है पेज नंबर 15 में, ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम तो मैं यही कहूँगा यार, जैसे ही अगर आपकी बुलेट की जो ये फ्यूल लेवल इंडिकेटर की जो लाइट है अगर ये अगर ब्लिंक करने लग जाए तो मान लो कि भैया आपको पेट्रोल भराना ही है, फ्यूल भराना ही है अपनी बुलेट में। अब बात करते हैं जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर है ये ब्लिंक कब करता है। ये ब्लिंक भाई तब करेगा जब आपकी जो बुलेट है उसमें मिनिमम 3 से 4 या 4.5 लीटर फ्यूल बचा होगा, ठीक है। क्योंकि 3.5 लीटर का मैं ऑलमोस्ट इसका रिज़र्व लगता है, तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके जो इंडिकेटर है उसके बाद भी आप बुलेट कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं। अब होता क्या है उससे मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसा कि आपको मालूम है ये फ्यूल इंजेक्शन मतलब FI बाइक कर दिया है, मतलब बुलेट को अब कार्बोरेटर हटा दिया है, तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था FI कैसे काम करता है, वो जाके देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो कार्बोरेटर है भाई उसमें अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका जो खर्चा है वो कम आता है, लेकिन अगर आपका फ्यूल पंप ख़राब हुआ तो समझ लो आपसे 15 से 20 हज़ार का चूना लग गया आपको। तो उस चीज़ को सेफ्टी में ध्यान रखते हुए आपको जो बुलेट है आपको फ्यूल ना मैक्सिमम भराना है ना मिनिमम रखना है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब अगर फ्यूल अगर आप ओवर टैंक कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो फ्यूल पंप है उसमें जो एयर सक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, जिससे कि आपकी जो बाइक है जब चलेगी जब राइड करेगी तो आपको मिसिंग की प्रॉब्लम भी आएगी। ऐसे कई सारे व्यूवर्स है, कई सारे सब्सक्राइबर है मेरे जो कमेंट में ये चीज़ लिखी है, मतलब मुझे कमेंट किया है कि उनकी जो बुलेट है वो मिसिंग की प्रॉब्लम कर रही है BS6 में। उसका मेन रीज़न यही है कि जब अगर यहाँ पर जो FI सिस्टम दिया गया है अगर उसमें प्रॉपरली एयर और फ्यूल का मिक्सचर अगर नहीं आता है तो भाई डेफिनेटली वो आपकी जो बुलेट है वो मिसिंग की प्रॉब्लम करना ही करना है। तो उसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई जो यहाँ पर रिकमेंड किया है और ऑयल फील्ड ने कि आपकी जो बुलेट है टैंक में उस लेवल से ज़्यादा आपको फ्यूल नहीं रखना है, और जो आपकी जो फ्यूल इंडिकेटर लाइट है ये अगर ये ब्लिंक करती है तो भाई आप जाकर टैंक फिल करवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिल कितना भराना है मैं यही कहूँगा कि भाई 80-90%, कुछ परसेंट छोड़ देना, उस जो लेवल दिया हुआ है वहाँ तक भी मत आने देना। अगर आता है तो भाई निकाल लेना, ठीक है, जिससे कि आपका जो फ्यूल पंप है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।